बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी अपडेट। जयपुर से नए सरकारी कॉलेजों के 9 भवनों का उद्घाटन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं जयपुर से। सीमार से वीसी के जरिए दोपहर 12 बजे उद्घाटन करेंगे। तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े ये कॉलेज हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सिंह नरू का फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? नई कॉलेज जो है सरकारी, उनके भवनों का उद्घाटन मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा, क्या तमाम अपडेट? देखिए मनीषा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र में प्रदेश के कई ऐसे तहसीले जहाँ पर सरकारी कॉलेज नहीं थे उनकी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी थी, और इसी सत्र से वहां पर कॉलेज शुरू भी हो चुके थे उसी वक्त जब ये घोषणा हुई थी। लेकिन उस वक्त भवन तैयार नहीं थे इन महाविद्यालयों में, लेकिन बड़ी तेजी से यहां पर भवनों का निर्माण हुआ। करीब 9 कॉलेजों के 9 जो भवन है वो बनकर तैयार हो गए हैं, और आज उनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए लोकार्पण करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएमआर से ये वीसी के जरिए लोकार्पण होगा, और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद रहेंगे, और तमाम जिन तहसीलों में, जिन विधानसभा क्षेत्रों में ये सरकारी भवनों, कॉलेजों के भवनों का लोकार्पण होगा वहां के स्थानीय विधायक भी वीसी से जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात देने वाले हैं। 9 सरकारी भवनों का लोकार्पण यहाँ पर होने वाला है, और वहाँ के जो छात्र हैं उनको भी यहाँ पर बड़ी सौगात मिलने वाली है कि वो सरकारी भवन में अध्ययन कर सकेंगे, क्योंकि जो सरकारी कॉलेज जिन विधानसभा क्षेत्रों में नहीं थे उनकी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र में दी थी, और बड़ी तेजी के साथ, बड़ी लगातार जिस प्रकार से जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वो भवन बनकर तैयार हुए हैं। और बाकी जो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी जो महाविद्यालयों की घोषणा की गई थी उनके भी भवनों का काम चल रहा है, जल्दी उनको भी सौगात मिलेगी। तो आज 9 विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी महाविद्यालयों के भवनों की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने वाले हैं। जी पिंटू, देखिए लगातार सिलसिलेवार तरीके से सौगातें देने का जो सिलसिला है वो जारी है। ये अपडेट भी आप बताएं कि देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से लगातार समीक्षा बैठक भी ले रहे हैं, और जो वायदे किए गए थे कहीं ना कहीं उनको पूरा करने के लिए धरातल पर जो कार्य है वो बिल्कुल तेजी से लगातार जारी। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि तमाम जो काम है विकास के काम वो प्रभावित नहीं होने चाहिए, खासतौर पर हेल्थ के और एजुकेशन के। और इस पूरे दोषार के अगर हम देखेंगे मनीषा, तो सबसे ज्यादा तेजी से एक तो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन का भी तेजी से इन क्षेत्र में काम हुए हैं। और पिछले 6 महीने की बात की जाए, कोरोना काल में काफी कुछ प्रभावित हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो महत्वपूर्ण विकास के काम है उनको कतई प्रभावित नहीं होने दिया, बड़ी गति से उनमें काम हुआ। और यही कारण है कि कोरोना काल के 6 महीने लगातार सब कुछ बंद होने के बावजूद भी ये तमाम जो सरकारी महाविद्यालय के भवन बनकर तैयार हुए, इससे यही साबित होता है कि सरकार संवेदनशील है तमाम चीजों को लेकर, कि किसी भी प्रकार से सरकारी कामकाज, विकास के काम प्रभावित नहीं हो, वो इन सब चीजों से देखने को मिलता है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सौगात दी है विकास के कामों की, वो ये साफ तौर पर बयां करते हैं कि सरकार जो विकास के काम है वो कतई प्रभावित नहीं हो रहे, तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर और खासतौर पर एजुकेशन और हेल्थ के क्षेत्र में बड़ी तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। जी बिल्कुल पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन होगा नए सरकारी कॉलेजों के 9 भवनों का।